और नमस्कार, दैनिक खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक शख्सियत है, परिचय के मोहताज नहीं है, जेबी केसेस के नेता बोला जा सकता है आपको, आपकी मर्जी, मतलब नेता तो हो ही गए ना, आप बोल दीजिए। एकदम प्रचंड दौरा चल रहा है, बड़का गांव जा रहे हैं। हाँ, बड़का गांव गया था मैं। बड़का गांव जा रहे हैं। काशियो विधानसभा में हम जा रहे हैं। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल याद आ रहा है। कोई आहत है आपसे? देखिए, हमरा से सभी आहत है। कोई हमको बोलेगा कि हमार वह महिला का सम्मान नहीं करता है, तो कोई कहेगा पुरुष का सम्मान नहीं करता है, और सब कोई आहत है। कहे सब बोल देते हैं। अरे जमीन घसक रहा है। बोले क्या आपको याद है कि नहीं याद है कि भूल गए? अरे भैया, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, और आप पीछे हटने वाला, हम लोग गलत बोलबे नहीं करते हैं। हमने कहा था कि माननीय विधायक अंबाजी, अगर यदि अडानी का गड़ाया यहाँ खंभा, तो उखाड़ जाएगा आपका खंभा। यानी अंबा, अगर बचाना है अपना विधायकी का खंभा, तो आप गोंदलपुरा के वार लोगों के आवाज को सुनिए। और इसका असर हुआ, इसका असर दिखा। मनोज जी, जो आपका वाक पटुता है, उसे लोगों को चिढ़ा रहे हैं आप, राइमिंग का है बनाते हैं, ये अम्बा का खंभा जो आप कह देते हैं, तो ऑब्वियस है कि शब्द भी बहुत उचित नहीं है, लोगों को तकलीफ हो रही है। तेरी के आप जो सूट करते हैं वही तबर बोल रहे हैं। आप बोले कि महिलाओं के सम्मान में मनोज यादव बैठा है यहाँ पर, वह हजारीबाग के गांधी मैदान में, तो क्या हो गया? आपको नहीं लगता कि आप गलत शब्द का प्रयोग किए हैं? यहाँ एक आप ही बताए, मैंने कहा विधायकी का खंभा उखाड़ देंगे, हमने ये क्या कहा? तो तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। तिल का ताड़, देखिए मैं वह गलत शब्द का लोग वह सोचने, बात और तेल जहाँ लगाइएगा वहीं लगेगा। आप नकारात्मक सोचिएगा तो नकारो। सबसे बोलिए कि आज तक जो है तो कोई और ऐसा शब्द उनको नहीं बोला था क्या? और ये इसलिए नहीं बोल रहा, सबको मिल के खा रहा था। हम पहली बार गए तो हम बोले उसको कि आप विधायक हैं यहाँ का, गोंदलपुरा लोग बाप 90 दिन से वह धरना पर बैठे हुए हैं, आप कहे नहीं गए वहाँ? बड़का गांव आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब दबाव बना रहे हैं कंपनी पे, चंदा चाहिए आप लोग को? हम लोग को चंदा चाहिए, सो इसीलिए हम लोग वहाँ पर। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जो चंदा खाता है, जेकर खाना है चंदा, जेकर है ये सब धंधा, मनोज यादव ये सब नहीं करता। ये राइमिंग आप सेट करके हम बोल रहे हैं, ये अपने आप आ जाता है कि क्या? अब चंदा खा गए तो धंधा उखड़े, तबे ना उन लोगों को डर लगल है हमरा से। आप कहे लगे थे वहाँ? हम वहाँ के गोंदलपुरा के लोग, आप ही बताइए, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ आप लोग खूब जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कंपनी है वहाँ खूब जा रहे हैं। हाँ, आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ कंपनी है, जहाँ जहाँ पैसा है वहाँ खूब जा रहे हैं, आप बताइए। इसलिए बोल रहे हैं कि चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, बहुत लोग सोचेगा। देखिए हम लोगों पर बहुत सारा आरोप अभी लगेगा, अभी नबरा मौगी सबके भौजी, यही बात है। ये पूरे वाला कहावत आपका जो हम बोल रहे हैं ना, हम लोगों का सबसे, हम लोग तो उभर रहे हैं, और उभर रहे हैं तो सबको तो पेट गली शुरू हो गया, तो पेट गली शुरू हो गया तो हम लोग, अब हम बोलिएगा कि हमने ये भी कहा कि हम लोग बहुत किए बंदी, अभी सरकार का करेंगे नसबंदी। आप ये भी कहेंगे सब बुढ़वन को हंस भगा देंगे विधानसभा के, सबको नसबंदी कर देंगे? जो पैदे करने वाला नहीं रहेगा नसबंदी न करेंगे, पढ़ने नहीं देंगे, आप बोल रहे हैं के उन लोगों को नहीं पढ़ने देंगे, ताकि वहाँ पर जा करके विधानसभा में ऐसा शब्द कहे लाते हैं कि जिसमें तकलीफ होगा, नसबंदी लाते हैं, कभी खंभा बोलते हैं, जानबूझ के बोलते हैं। तेरे के ये जानबूझ करके नहीं बोलते हैं, दिल से बोलते जो हैं। दिल से बोलते हैं, हमको यहाँ झारखंड का वह जो दुख दर्द है उसको हम दिल से बोलते हैं, सीधा बात है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। आप देखें, जो अम्बा प्रसाद जो विधायिका है बड़का गांव की, वो सामने आकर इस बात को लेकर कह रही थी कि आहत हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो भी लोग आए हैं, और आपका एगो नेता भी है, वो भी पता चला है कि वो उसको लेकर कह रहे हैं कि खेद है इसको लेकर, तो आप क्या कहिएगा? आप भी खेद जता दीजिए। देखिए, वह खेत जताने का बातें नहीं है, हम खेत कभी नहीं जता सकता हूँ, मैं अपने वहाँ स्टैंड पर कायम हूँ। मैंने कहा है अंबाजी, अगर यदि आप जो है यहाँ पर नहीं किए, गोंदलपुरा के लोगों का नहीं आप समस्या को सुने, और अडानी का यहाँ पर गड़ाया खंभा, तो आपका विधायकी का खंभा यहाँ से कबाड़ेंगे। आप ये कह रहे थे कि अंबानी को भगाओ, अंबानी को भगाओ, गोंदलपुरा बचाओ, अंबानी का खंभा गड़ेगा तो आपका खंभा उजड़ेगा, क्योंकि आप सत्ता में, आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि को नहीं बोलेंगे तो किसको बोले? आप ही बताइए, प्रतिनिधि को नहीं बोलेंगे तो क्यों? और आज हम बोले, अब उसका असर दिखा,
विधानसभा के सामने गोंदल पूरा बचाओ, बड़का गांव बने क्या कहते हैं अडानी भगाओ गोंदल पूरा बचाओ, दिखा ना यही पहले करते तो हम खंबा काहे लंबा का कबाड़ते हैं। बीजेपी वाला दबाव नहीं बना पाया जो मनोज यादव कर दिए वहाँ जाके, यही तो कह रहे हैं बीजेपी वाला खा चुका है, वो जाएगा वहाँ। अच्छा वो भी नहीं, बीजेपी वाला खा चुका है, वहाँ का सेटिंग नहीं है उकर। ये लोग अरे बांट बांट के पांच साल तुम खा पांच साल हम खाएंगे, पांच साल तुम खा पांच साल हम खाएंगे। अब नया प्लेयर को मौका दो वो खाएगा। नहीं खाने का बात कहाँ आएगा और सफाया करेगा, सफाया कीजिएगा, भरोसा जीत रहे हैं लोगों का। भरोसा तो आपको तो देखे होंगे, आप जितना भी हम लोगों का प्रोग्राम हजारीबाग में हो रहा था, दूसरे पार्टी का हॉल में हो रहा था, आप यहाँ का भीड़ देखे होंगे, वहाँ का भीड़ देखे होंगे। अभी डुमरी में हुआ, आप वहाँ पर एसी लगाए थे, अभी तक तो वहाँ क्या कहते हैं जहाँ भी कार्यक्रम होता था वहाँ पंखा लगता था, एसी लगा था। लेकिन अभी एसी में सोचा कि बेसी भीड़ होगा, सुनिए एसी में सोचा बेसी भीड़ होगा, लेकिन ओकर उल्टा क्या हुआ, बेसी भीड़ हो गया हमारा डुमरी में। हम लोग जो क्या कहते हैं पहाड़ की तराई में किए थे, गाड़ी रुक के ढुकुर ढुकुर ऊपर से एरोप्लेन से देख रहे थे, एरोप्लेन से तब हम आप बोलिएगा, ये देखिए आप जो बोल रहे हैं मतलब देखिए जैसे जब ये लोग ये वाला बात आप करते हैं मतलब डायरेक्ट आप खेल चालू कर दिए हैं राजनीति वाला, सीधा सीएम भर से जेबी केसेस हो गया अभी। तब आप तो बोली बे किए थे, आप एक में बोलिएगा आए मनोज जी कहा बोलते हैं, हम बोले थे हिम्मत है तो हिम्मत है, जब वो बोले थे कि हम आएंगे झारखंड में तो अपनी सरकार बनाएंगे, तो बाद छात्रों तुम लोग वह सरकार बदलो तकदीर बदलो, तो ओकरा पर भरोसा करके बोल दिए हिम्मत है तो हिम्मत है। अब ये जो है सो देख लिए, अरे बाबा ये तो चोर जैसल कर रहा है भाई, सब हम लोग को धोखा दे रहा, तो हम बोल दिए हिम्मत है तो दिक्कत है। तब बोलिएगा मनोज ये भी आप काहे बोल देते हैं, बड़ी कहावत आप कहते हैं चरितार्थ करिए, पटक नहीं पाएंगे तो दांते काट लेंगे। आप तो बोले आप हमारा सब को आप ही लोग जो बोलते हैं, बोला कि मनोज जी कमर कस लिया है भाजपा, कमर कस लिया है वह जे में मारिए आप कैसे लड़िएगा, तो हम तो बोले कि ओकर जो है वह कमर के कसता है जेकर पॉइंट ढीला होता है, वो लोग का ढीला हो गया हमारे टाइट है, हम कह कसेंगे, हम लड़के दिखा देंगे, और ऊपर बोल देते हैं कि आपको बोल वह दत्ते काट लेंगे, तो वही बोले कि वो लोग कमर कस लिया है, आप ही लोग बोले आप ही बोले हैं मतलब कि पटक नहीं पाएंगे, अरे दांते काट लेंगे, मतलब खेल बिगाड़ने में लगे हैं। आप करिएगा सुनिए ना, वो हमको बोले कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं कैसे संभालिएगा, हमने कहा उन लोगों को कि वह ठीक है तो उसको पटक पाइएगा, हम बोले कि नहीं पटक पाएंगे, वो पटकेगा पटकेगा तो नाम नहीं सकेंगे तो खिसिया के दत्ते काट देंगे, हम का गलती बोल दी, कुछ न कुछ करिएगा कहेंगे नोचिएगा खसोटिएगा कुछ करिएगा, उसको पता चलना चाहिए कि ककरा से लड़े हैं, ये पता होना चाहिए उसको भी, हमसे लड़ा है तो उसका भी तो कुछ उसको प्रभाव पड़ना चाहिए ना। अब इसका भी गलत मतलब निकालेंगे लोग तो कि देखिए मनोज यादव दांत काटेगा बात कर रहे आप बोल देगा कि विष फैला रहा है मनोज यादव, देखिए मीनिंग जो भी लगाए लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से इतने बोल रहे हैं कि हमने सभी पार्टियों को दिया मौका लेकिन सभी ने बनाया बोका, और इसीलिए 2024 में मारेंगे हम लोग चौका सीधा बात। उधर फील्डर बढ़िया रहा बॉलर बढ़िया रहा था, देखिए ना जी फील्डर बस को नहीं मारते हैं, ग्राउंड शॉट है हमारे हो ग्राउंड शॉट है, गैप ढूंढ लीजिएगा एक दो के बीच से निकाल लीजिएगा, दो को बीच से आप बता रहे ये सब आपस में लड़ेगा हम बाईपास से निकाल देंगे, देखिएगा। अच्छा सत्ता का चस्का है आपको कि नहीं, सत्ता का चस्का जो लिया होगा उन लोगों को पता नहीं, हम तो नहीं लिए, आप स्टेटमेंट कहे हैं कि अगर जीत जाते हैं मान लीजिए 12 को जीतते हैं तो 12 मंत्री बनेंगे, हाँ। और जिसको आना आएगा नहीं तो जाएगा, हाँ। सीधा बात मतलब सीधे आप कह रहे हैं कि आप आईबे करिएगा तो समझौता किससे करिएगा, कांग्रेस करेगा तो मतलब फिर तो वही काम होगा, फिर कैसे आप करिएगा 12 को, आप ऐसे सुन लीजिए आप लोग कुणाल सर आप लोग बहुत रिनॉल्ड आदमी है पत्रकार है, आप करता हूँ सुनिए ना सवाल पूछ। आप सवाल पूछ रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, मधुकुला के कै गो मिले था, बस बस इसी उदाहरण पे मुख्यमंत्री भी ले लीजिएगा, सुनिए पहले देखिए यही क्या बता रहे हैं, सुन रहे पब्लिक सुन रहे हैं, इसीलिए हमको व्यवस्था परिवर्तन करना, हम ही कहना चाह रहे हैं आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आप लोग आए हैं सुधारने बदलने, धीरे धीरे आप लोग का चाहत बदलते जा रहा है,
आप बात करने लगे राजनीति का, आप पता चला कि लोकसभा भी लड़िएगा, आपका स्टेटमेंट सुनते हैं तो आप कहते हैं कि कितनों जीतेंगे, हम सत्ता में जाएंगे और मंत्रियों बन जाएंगे, जिसको आना होगा वो आएगा नहीं तो हाँ जाएगा। आपको मालूम आप ही कह नहीं कर रहे कि हम उनके साथ समझौता नहीं ना, करेगा समझौता वो करेगा तो कैसे कर लेगा नहीं करेगा तो फिर रहे जेएमएम वाला कैसे कर लेगा जरा समझाइए, लॉजिक समझाइए। जेएमएम वाला राजद के साथ है, वहाँ जाके वो बना रहे प्रधानमंत्री, समझौता करेंगे आपके साथ। बीजेपी वाला कहाँ है तो फिर होगा चुनाव, फिर बहुमत लाएंगे नहीं तो सत्ता में नहीं जा पाइएगा। देखिए आप जो बोल रहे हैं कि जो निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, निर्दलीय सुन लीजिए, आप लोग मान के चल रहे हैं, सुनिए हमने मान लिया, इतिहास रिपीट करना चाहिए, अरे भाई रिपीट दूसरा इतिहास बता रहे हैं। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, गुजराल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बनल बनल सरकार जो गिर जाता है उसका उदाहरण क्या देगा। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बने, कहते कि हम लोग अगर यदि यही समझौता करते रहे तो हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि वो लोग यदि सत्ता में रहेंगे और हमको आप समझौता करने के लिए बोलते हैं तो हमको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। मैं बनूंगा, आपको आना है मेरे साथ, आइए आप सपोर्ट करिए, गलत करेंगे विरोध करिए, मैं खुले आम से बोल रहा हूँ, गलत करूंगा विरोध करिए, सरकार मैं बनाऊंगा आप सपोर्ट करो, आप सरकार बनाओ हम सपोर्ट क्या करेंगे, हम सरकार बनाएंगे आप सपोर्ट करिए। मतलब ये कहना एक स्टेटमेंट क्लियर है कि आप समर्थन लेने के लिए तैयार है, देगा तो लेंगे, लेंगे ना, कह दिया ना, अरे पूरा जनता तो समर्थन दे रही है, फिर अब ये से आप तैयार हैं इस चीज के लिए कि भाजपा हो या कांग्रेस हो देगा तो हम लेंगे। सुनिए पहले हम आप लोग जबरदस्ती दिलवा रहे हैं, आप तो हम तो पहले बोल रहे हैं। अरे भैया आप बोले कि हम सरकार में चल जाएंगे, पूछने लगे जब 42 को आपका इब्बे नहीं करेगा, क्या बोला 42 को नहीं जाएगा तो 12 को कहे बोले थे आप, 12 को मंत्री पोस्टे बार है गए यहाँ, 12 को जीतेंगे तो 12 मंत्री रहेंगे आप अपने लिए। हाँ तो यह होगा, यही चीज होगा, जिसको आना होगा आएगा, नहीं तो हम लोग जैसा होगा करेंगे। और देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप 42 को बात कर रहे हैं, हम बार बार ये भी बोले उसको आप लोग नहीं चलाते हैं और बार बोलते हैं, हम जो है सो दिल्ली की तरह पूरे साफ कर देंगे, देख लीजिएगा मिर्चा फौरन जैसा आदमी नहीं मिलेगा जी। समर्थन मिल रहा है, समर्थन तो आप तो जो भीड़ देखे हैं, हम तो खूब कवरेज किए हैं, आप सवाल भी पूछते हैं, नहीं नहीं आप बहुत बढ़िया जानते हैं, मीठा मीठा सवाल का कोई मतलब नहीं है, दैनिक खबर में कुछ तो कड़वा करेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि हमको आग में जब तपता है सोना, अभी आगे भी आएंगे आपको बता रहे हैं, हम जो अभी बोल रहे हैं यही चीज को हम चाहेंगे कि रिकॉर्ड करके रखिए, और जब हम सत्ता में आएंगे उसके बाद जो प्रश्नों का आपका मजा आएगा और करने का, आप क्या बोले थे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आहत है मनोज यादव, आहत है, कितना उम्र हो गया आपका? मेरा लगभग 47 साल हो चुका है, 47 साल, 23 साल का झारखंड हो गया है। आपका उम्र उस वक्त कितना साल हो गया? उस समय 23 साल मेरा था, साल मतलब नौकरी पाने वाला उम्र था एकदम। तो मैं जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हूँ, जेपीएससी का इंटरव्यू, मैं अभी कहीं अभी मेरे बैच का अभी आप देखिए सब लोग जो इंटरव्यू दिए थे मेरे दोस्त जो है वो अभी लगभग 25 जो सारे लोग एसपी बने, आप लोगों परसों ही प्रमोशन हुआ, सारे मेरे मित्र एसपी है, और अभी जस्ट आपके ही यहाँ पर राजकुमार मेहता जी भी एसपी बने हैं, दीपक जी लोग बैच के साथ में हमने इंटरव्यू दिए हैं जी, साथ ही लोग हैं, साथ ही लोग हैं, बात होता है सबसे, बस सब बोलते हैं, बोलते हैं कहा मनोज तू तो गर्दा उड़े ले, हम तो सीधे बोलते हैं डेमोक्रेट और ब्यूरोक्रेट जिस दिन एक साथ हो जाएगा व्यवस्था परिवर्तन होगा। आपसे कहां गलती हो गया, आपसे गलती हो गया कि आप उसके भी भुक्तभोगी रहे कि नौकरी नहीं मिल रहा था, बार बार कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा था या सरकार बदल रहा था, नियमावली जो है सब आप जानबे करते हैं, सरकार पहले से हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, न कहिएगा कि बोले अक्रम कुछ बोल रहा है मनोज यादव, आप तो बोलवे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक है और कितनी सीबीआई जांच चल रही है वो सब सारा चीज को आप जानते हैं, और किसने भ्रष्टाचार को जन्म दिया, आप बोल रहे हैं ना गंगोत्री को ये लोग गंधा दिया, अब साफ करने की बारी आ गई है और हम लोग करेंगे उसको, करिएगा जरूर करेंगे। आप नेता बन रहे हैं धीरे धीरे, आप लोगों से भी मिल रहे हैं, अगर आपसे हम पूछ लें कि मनोज यादव के पॉकेट में कितना पैसा है,
तो बहुत ये बहुत अच्छा होता। और हम कहेंगे, हम पूछेंगे आपसे और बताइए। सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, और यहाँ पर चूंकि आपको यहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह तो हम लेकर के चले नहीं है, मोटरसाइकिल से दिखे हम। अब आपको मोटरसाइकिल से आपको हम दिखे, आप मोटरसाइकिल से उतरे तो ऐसा बात नहीं कि हम वह पूरा जो वह अडानी से लिए थे सो ओकरा हम रख दिए हैं। सो आप बोले कि गोंदल पूरा पैसे के लिए गए थे, जहाँ जहाँ कंपनियां पैसे के लिए गए थे तो वहां तो नहीं रखे होंगे। ये गो मेरा यहाँ पर पर्स है, आप पैसा जो पूछना चाहते हैं सो ये देख लीजिए, ये पर्स है, ये देख के वो रुपया है, 500 का नोटो नहीं रखे देखिए, तब सब ने वहाँ कलेक्शन करके रखे है। एटीएम भी है, है? माल है उसके? अरे भैया यो है एटीएम का नंबर, वो दे देते, जाके निकाल लीजिए। नहीं है, है? नहीं है पैसा, सब मिलेगा, पैसा कौन दे? एक बार तो कैसे चल रहे हैं, कैसे के 200 रुपया 300 रुपया लेके घूम रहे हैं? आप कभी धनबाद जाते हैं, कभी हजारीबाग आते हैं, कभी रांची चल जाते हैं। आपको एरोप्लेन में भी हम देखेंगे, यही तो सोचने वाली बात है। चंदा मिल रहा है, चंदा काहे को देगा लोग, समर्थन वहीं जाते हैं, वहीं पकड़ के लेकर के। अब देखिए वहाँ गाड़ी खड़ा है, अब दिखाइए वहाँ। अच्छा हमको ये बताइए, हम आ रहे हैं उस मुद्दे पर, 47 साल हो गया, आप राजनीति करने लगे, नेता बन गए, रुपया आ नहीं रहा, घर परिवार कैसे चलता है फिर? के मेरा देखिए बिजनेस, आप घर वाला पर मत चाहिए, हम तो राजनीति इधर वाला है, हमारा बिजनेस है भाई मेरे। करते हैं आप काम करते हैं, व्यवस्था कर लिए? हाँ तो देखिए जब रोजी रोटी का पेट का व्यवस्था, आप बताइए कि यहाँ पर हम आइए। बहुत लोग सुनना चाहते होंगे ना कि मनोज यादव क्या करता है, जैसे समर्थक आपका बढ़ रहा है तो लोग जानना चाहेगा ना कि क्या कर रहे हैं मनोज यादव। बस बोल रहे हैं कि जितना ही समर्थक बढ़ रहा है उतने हम मजबूत हो रहे हैं। और जो कि देखिए जब तक आप कोई भी काम फ्री होकर के तभी करिएगा जब आपकी आर्थिक आजादी रहेगी, आप ये जान लीजिए। जो बोला गया है जब अपने पेट में रहेगा खुद्दी तो निकलेगा बुद्धि, और नहीं रहेगा खुद्दी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आप देखे होंगे कि एमबीए पीएचडी किया हुआ लड़का बेरोजगार रास्ता में घूम रहा है, पैसे पैसे का दर दर का। और देखिएगा कभी जो है अनपढ़ भी है वो करोड़ों का प्रॉपर्टी लेकर के उसको लोग सलाम कर रहा है। इसलिए जब तक व्यवस्था नहीं रहेगा आप नहीं कुछ कर सकते। चुनाव लड़िएगा, चुनाव तो लड़ना है, तय है, आप बोलबे किए हम 14 लोकसभा लड़ेंगे, काशियो विधानसभा, अब और कितना बार पूछ। कोडरमा जाइएगा, कोडरमा तो कोडरमा का प्रोग्राम है 3 तारीख को, जरूर जाऊंगा। कोडरमा करिएगा, हाँ कोडरमा में 3 तारीख को प्रोग्राम है। कोडरमा में किस मुद्दा पे लेके जाइएगा? वहाँ आपको लगता है कि बिहार से सटा हुआ है, ज्यादा बिहारी बिहारी कर पाइएगा वहाँ? तेरे की यहाँ बिहारी यार बहुत आपको वो, हम लोग मतलब सेलेक्टिव राजनीति चल रहा है क्या कि एक आदमी को बोलना है एक आदमी को नहीं बोलना है? ये कौन बोला कि एक आदमी बोल रहा है एक आदमी नहीं बोलना है? जरा महतो अगर बोलते हैं और आप थोड़ा साइलेंट रहते हैं तो सर क्या मतलब समझा जाए? ये आप हमको कभी साइलेंट देखे हैं? मतलब क्या बोलिएगा? अरे बम है तो फुटबे करेगा महाराज, तेने बम है तो फूटेगा। आप ओकरा कहिएगा उसको झोला में रख लेते हैं, झोला में रख लेते हैं, झोला में फूटेगा। ये साइलेंट साइलेंट कुछ नहीं होता है, सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा ना कि अरे ना बोला हो जाता? नहीं वो कुछ नहीं बोलते हैं। मिर्ची जहाँ जाएगा कोनो सब्जी में रसगुल्ला भी डालिएगा तो तीता रहेगा, तो हम जहाँ जाएंगे हम तीते रहे। तो मिर्ची क्या लगाया? तो मिर्ची हम लगा रहे हैं ना, बड़का गाँव में तो लगा चुके, मतलब यही कर रहे हैं तो सबको लगेगा मिर्ची। अभी जो है ना काहे बोल रहे ना कि एक दिन के अम्बा खम्बा मनी विधानसभा में जाकर के गोंदल पूरा बचाओ अडानी भगाओ। हम तो चाहते हैं इसी प्रकार की जागरूकता तमाम विधायक करते तो मैं क्यों निकलूंगा, क्यों जाऊंगा वहाँ बड़का गाँव? आप ही बताइए उपचुनाव कहने लड़ रहे हैं? देखिए आप भी ऐसा ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, चुचुंदर मार के हाथ गंधाने वाला बात करते हैं। ये वाला आप 3 महीना 2 महीना वो के लिए एक तो खराब सहानुभूति खराब हो जाएगा इसके लिए नहीं कि आज चुनाव में आ रहे हैं, लोकसभा बोलते हैं विधानसभा बोलते हैं तो उपचुनाव कहेंगे? तो उपचुनाव इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, अगर मिडिल का रहता, आप बता रहे अगले नवंबर में हम 81 विधानसभा में लड़ेंगे, और ये अगर यदि उपचुनाव 1-2 महीना के बाद उपचुनाव का, सुनिए ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि छुछुंदर मार के हाथ गंधाने ये को विधायक हम सरकार बनाना चाह रहे हैं, आप जबरदस्ती हमारा वहाँ भेजना, टेस्ट भी हो जाता ना? टेस्ट नहीं कराना, ये टेस्ट नहीं कराना, लोकसभा टेस्ट नहीं, टेस्ट करेंगे लोकसभा। मैं बता रहा हूँ उपचुनाव तो और एक छोटा मैच मिला था, नहीं छोटा मैच में देखिए छोटा मैच जो खेल रहा है तो उन लोगों को भी
आप बताइए कि सचिन तेंदुलकर आपका आकर के वहाँ गांधी मैदान में बचपन से खेल लेगा मैच, तो बेचारा लोग हतोत्साहित ना हो जाएगा दूसर का लोग, बच्चा लोग है वहाँ। हाँ तो वो बच्चे लोग देखिए, फिर कंट्रोवर्सी होगा, कंट्रोवर्सी होगा वहाँ पर जो देखिए। हम जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको हम लेके चलते हैं। आप कहते हैं कि हम लेके चल रहे हैं आपको, आप कहते हैं कि राजनीति ऐसा करिए कि दाया से करिए, माया को पता नहीं चले। जयराम तो कुछ नहीं बोलते हैं वहाँ के बारे में, खास करके डुमरी विधानसभा के बारे में, या फिर जो भी बात बोलते हैं बड़ा संभल के बोलते हैं, बड़े सम्मान से बोलते हैं। आप इधर कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किए, बोले कि सब अनुकंपा वाला है, इसमें आप अम्बा प्रसाद, जयमंगल सिंह, हफीजुल हसन तमाम नाम लेते लेते वहां भी नाम आप ले लिए कि वो भी आए अनुकंपा, तो वो बच रहे हैं आप बोल रहे हैं, तो ये कौन सा राजनीति आप कर रहे हैं कि बायां से करिए दायां को नहीं पता चले। आप तो बोल दे रहे हैं, आप ये भी बोल दे रहे हैं कि ठेपा छाप है, वो भी बोल दे रहे हैं। देखिए वो सब आपको, आप जो हमको बता रहे हैं, जो बोलने का सबका अपना अपना राइट होता है। हमारे जयराम महतो जी नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोला कि वो नहीं बोल रहे हैं? अगर यदि नहीं बोलते, सुनिए सुनिए कहाँ बोल रहे हैं, सुनिए ना, डुमरी विधानसभा में ही ना वो अभी प्रोग्राम हुआ था, तो चुनाव लड़ो, अगर जो हमारी जनसभा जो हुई थी सो आप देख, हम दिखाने के लिए कि वहाँ पर एसी में बेसी बैठता है कि हमारे साथ कैसे जनता। मेरा ये सवाल इसलिए है ना कि आप लोग जब चुनाव लड़िएगा तो पूरे झारखंड में लड़िएगा, तो आपको एक विशेष लोग नहीं देखेगा, बहुत लोग देखेगा। आपको कोडरमा में वोट देगा तो एक विशेष लोग नहीं देगा, बहुत लोग देगा। तो ये सवाल कलेक्टिव है कि आप डुमरी उपचुनाव काहे नहीं लड़िएगा? आप बचने के लिए बोल दीजिए कि छोटा चुनाव है या कुछ चुनाव है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये सीधा ये लोग समझ सकते हैं कि उसको छोड़ना चाहते हैं, कि मामला गड़बड़ाए नहीं। नहीं देखिए आप लोग, आप फिर बात वही वाला बोले कि बात और तेल को जहां लगाइएगा लगेगा। हम लोग डुमरी उपचुनाव में अभी नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि एक तो बहुत सारी, आप जो है राजनीति का बात कर रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रिया है जिसमें हम अभी तक हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ, बस समझ लीजिए पूरा बात को। और वहां पर जो आप बोल रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे, हम अगर जाएंगे तो हम निर्दलीय के रूप में जाएंगे, हम पार्टी के रूप में नहीं जा पाएंगे। बहुत सारी चीजें जो कि आपको हम नहीं बता सकते हैं, और वो आपको हकीकत से आपको अवगत करवा रहे हैं कि अगर यदि किसी को आप लड़ने के लिए हमको बोल रहे हैं उन लोगों से, तो हमको भी आप बता रहे हैं ना, आप जीत जाएंगे वहाँ, मान लीजिए हम जीत गए। जैसे वॉक ओवर किसी को आप नहीं ना दे सकते हैं सर? हम वॉक ओवर कहाँ दे रहे हैं? आप मैच में उतरे हैं तो सबसे ना खेलिएगा, तो सबसे खेलेंगे आप जहाँ तक कहिएगा। अब हम नेशनल लेवल का खिलाड़ी हैं, आप बोलिएगा हमें खेलवाने के लिए, जहाँ तहाँ बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ना कि आप मंत्री बना दिया गया है। अरे भाई मंत्री बना गया है उनका सम्मान है, इसलिए कि जगन्नाथ बाबू थे तो उनकी पत्नी है तो बन गए। आपको वो बात नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उपचुनाव में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि हम चुचुंदर मार के हाथ नहीं गंधाना चाहते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलें कि हम एक वो जीतिए भी गए तो हम क्या करेंगे फिर से जा करके हमको, हम आप ही बताए सवाल शुरू करिएगा। बड़ा बात आप बोले, एक आप जीत जाइएगा ना तो 2024 में गर्दा उड़ा दिएगा जब उपचुनाव आप जीत जाइएगा। सुनिएगा तब ना, यही इसी पर प्रतिक्रिया जो तमाम लोग है वो दे दीजिए। ये बोल रहे हैं कि एक चुनाव अगर सीट जीत जाते हैं तो क्या होगा, आप बताइए क्या हो जाएगा। अब एक हम जीत लिए तकर बाद आप हमारा कल हुरना शुरू कर दीजिए, आप बीजेपी तरफ है कि जेएमएम तरफ है कि कांग्रेस तरफ है, आप अकेले हैं तो मुख्यमंत्री का ही नहीं बन रहे, तो सवाल से भागते नहीं है, फिर आप जवाब देते हैं तो फिर क्या दिक्कत है, लड़िए ना। यही बोल रहे हैं ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप एकदम स्पष्ट शब्दों में कि हम लोग जो है इसको वॉक ओवर देने कहिए या जो कहिए, हम लोग डुमरी चुनाव नहीं लड़ेंगे, 81 का 81 विधानसभा, 14 का 14 लोकसभा लड़ेंगे। जेबी केसेस का 5 गो नेता का नाम बताइए। जेबी केसेस का 5 गो नेता, अब तो 5 गो नेता, 50 यहाँ पर नेता के कमी, 81 विधायक हमारे पास में है, 5 गो बता दीजिए। अरे सभी नेता है अकेला में, 5 गो बता दीजिए ना। तो नाम आप उसको नहीं जान रहे हैं, मनोज यादव हम बोल लेते हैं, एक मनोज यादव हम बोल लेते हैं, हम आप काहे को बोलिएगा। आप जब हमारा ऊपर स्टेज पर जाते होंगे, 5 गो है तो आप देखते होंगे सबको, यहाँ पर वरिष्ठ नेता है। आप ये को बोल रहे हैं अजय राम महतो जी को छोड़ दे रहे हैं, हम सुप्रीमो को छोड़ दे रहे हैं। हाँ छोड़ रहे हैं हम, इसलिए तो आपसे अच्छा बोल रहे हैं कि 5 गो नेता बोलिए, हम बोलेंगे तो विवाद होगा। तो नहीं नहीं नेता भाई, तो हम तो बोले कि जिसको राम महतो 2 81 को है, 81 विधानसभा लड़ेंगे, इसलिए सवाल हम इसलिए सवाल पूछे, इसलिए पूछे कि आप लोग पे टैग लगता है
कि एक विशेष जाति का ज्यादा लोग है वहां पर, लगता है ना इस चीज से वाकिफ है। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि पांच गो नाम बताइए, पता चलता है कि चार गो नाम आप वही बता रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, सवाल क्लियर हम आपको, मैं बता रहा हूँ कि कुणाल जी आप बहुत मंजे हुए आदमी है, और आपको स्पष्ट शब्दों में कहूँ, कहीं भी जो होता है शुरुआत जब किसी पार्टी की होती, शिबू सरन साहब जेएमएम पार्टी का गठन किए थे तो सबको बोलता था कि ये खाली आदिवासी का पार्टी है, बोलते थे ना, लेकिन उसमें जुड़ा ना लोग। जब लालू यादव वहां पर शुरू किए थे तो बोला ये खाली यादव का पार्टी है, लोग जुड़े ना उसमें। जो आपको बता दें, अभी मान रहे हैं आप इस बात को, अभी किसका पार्टी है? सुनिए पहले, आप जो बोल रहे हैं कि भाई ये जो है सो जयराम मात्र खाली कुर्मी का है, मनोज यादव चला गया खाली यादव का है, आपको नहीं आपको ये लोग पूछा कि नहीं सवाल कोई कोई जो 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 आप बात कर रहे हैं? नहीं, जो आप जो आप, आपको एहसास है इस बात का? मेरे को नहीं, देखिए लोग आलोचना करेंगे, मैं जानता हूँ, शुरू में किसी भी चीज का अच्छा भी काम करिएगा आलोचना होगा, धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करेगा, बाद में तारीफ करने लगेंगे। ये दुनिया का दस्तूर है, हम बता रहे हैं ना कि अगर अरे ये कर रहा है, यहाँ घर बना रहा था, यहाँ स्कूल बना दिया, अरे यहाँ के कौन बच्चा पढ़ने आएगा बाद में, अरे अच्छा स्कूल है जी, पढ़ाई बहुत बढ़िया होने लगा। लोगों का करना है, हमारा भी जो कहेगा ये कुर्मी जाति का है, ये जादव जाति का है, ये मुसलमान जाति का है, ये आदिवासी जाति, लोग को दर्द जब होता है ना तो यही कहने लगता है। ताकत आप लोग बढ़ा रहे हैं अपना, एक आपको सुनते हैं और एक जयराम महतो को सुनते हैं। जयराम महतो तो कम से कम आप लोग इतना किए हैं 3 साल की राजनीति में, लोगों का सोच बदल दी है, अपने तरफ आप लोग अट्रैक्ट करने लगे हैं, लोग आपको सुनते हैं। जयराम महतो अगर 2 घंटा भी बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, आप भी बोलते हैं तो आपको भी सुनते हैं, लेकिन नेता का क्राइसिस है आपके पास, कहां से नेता? नेता का क्राइसिस नहीं है, कहां तो नमो अरे कुणाल सर, इसीलिए तो नहीं बता रहे हैं ना, अभी हमारे पास में ये वो विधानसभा से सुनिए, आप भी मंजे में, आप इसलिए नहीं बता रहे हैं कहीं नमुआ छूट गया तो वहाँ नाराज ना हो जाए। देखिए यार, हमारा नमुआ काहे नहीं लिया? नहीं, सब बात आप ही बोल दे रहे हैं, आप नहीं बोल रहे थे ना, इसीलिए बोल रहे थे। तो आप हकीकत बात को जो आप बोल रहे हैं, बता रहा हूँ, एक विधानसभा से 15-15 गो उम्मीदवार है, कैसे फिर करिएगा सर, कैसे लॉटरी निकालिएगा के 15? इसलिए ना हमको चुनने का अवसर मिल रहा है, थोपा हुआ हम विधायक नहीं देंगे, हमको देखेंगे कि क्षेत्र में कौन मजबूत है, निकाल सकता है सीट, ओकरा देंगे, ये वाला नहीं चला। का विकास कर रहे हैं, कहे बैठे हैं इतना इंतजार, वाला बात कर रहे क्या कि जैसे ही नाम हम चढ़ाएंगे लोग नाराज होने लगेंगे, भागने लगेंगे? नहीं नहीं, देखिए आप लोग बोल रहे हैं ना, यही ये सवाल जो आपको मैंने एक मीडिया बंधु ने कहा था, तो होता क्या है कि हमने कहा था, उनको उत्तर दिया था कि आप ही लोग जैसा आदमी जो है सो आदमी को बदनाम करता है, हम शादी किए और अगर चाह रहे हैं कि 2-4 महीना जो है हमारा बाल बच्चा नहीं हो तो हमारा लोग बांझ कहने को लगता है, ये कोई सवाल हुआ? हम 2-4 महीना अगर यदि हमको अस्थिर है, हम बच्चा नहीं पैदा करना चाहते तो लोग बांझ कहने लगता है, हमारा मर्दानगी पर वह सवाल उठाने लगता है, वैसा ही आप लोग कर रहे हैं। अभी 1-1.5 महीना हुआ ही है हमारे पार्टी के गठन का या घोषणा का, अब उसके लिए बायलॉज होता है, प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पूरा होने दीजिए ना कुणाल सर, बहुत फिल्टर कर रहे हैं, फिल्टर करेंगे, कचरा पचरा नहीं उठा लेंगे, आप तो जान रहे हैं कचरा उठाएंगे फंसेगा मेरा मोबाइल व गाड़ी में, तकर बाद में फिर हमारा सर्विसिंग सेंटर जाना पड़ेगा, दूर दूर करके रुक जाएगा, धुक धुका के रुक जाएगा, हम फिल्टर करेंगे, बढ़िया आदमी आएगा फिल्टर करेंगे तभी लेंगे। डर कौन पार्टी से ज्यादा है? ककरो हमारा डर? भाजपा कांग्रेस से? हमको किसी से नहीं डर है, उन लोगों को हमसे डर है, उन लोग बहुत पैसा है, उन लोग पास कहाँ से लड़िएगा चुनाव? तेरी नोट से नहीं जीतता है, वोट से जीतता है, एक तू कोला बात बोल दिए, हमारा नोट नहीं चाहिए, नोट प्रचार करना है, लोगों के पास जाना है, बैनर लगाइए, कुछ लगाइए कि नहीं, ऐसे चुनाव लड़िए, आपके लिए उसके लिए पैसा आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, उतना हमारे बता रहे ना, अगर जितना हमारा छात्र और जितना हमारा हम सपोर्टर है ना, अगर 500 रुपया दिया ना और 200 रुपया देगा ना, तो हम बता रहे ना कि उन लोगों के जितने भी पार्टियां है उससे ज्यादा चंदा मेरे पास आ जाएगा, आ जाएगा चंदा। धनबाद में कहे थे कि जगा रहे हैं, हजारीबाग में कहे उखाड़ रहे हैं, मतलब भयंकर, मतलब बहुत ये है कि अंदर में आग है, एकदम जगा रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, तो आप अगला क्या करिए? आप बैठा देंगे हम लोग 2024 में, हम लोग सरकार बैठ जाएगी, बैठ जाएगी, यही बैठा देंगे।
आपको फोन उन आता है क्या? कोई पार्टी से, कांग्रेस से, भाजपा से? सब पार्टी से। क्या कहते हैं लोग? क्या है? आ जाओ। विरोधी वालन बोलते हैं, सत्ता पक्ष वाला बोलता है कि काहे मनोज काहे खफा हो गया, तुम तो पहले तो बहुत इनके मित्र थे। और आपको बता दूं, आप बढ़िया से फोटो वायरल हुआ था मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास में, और ऐसा करते भी थे। आज भाजपा वाले बोल रहे हैं कि काहे मनोज तुमको कहां से तुमको चुनाव लड़ना है, यही सब बोलते हैं। कहां से तुमको जेएमएम वाले तुमको सीट दे देंगे, विधानसभा भेज देंगे, तो ऐसे आपको क्या चाहिए? यही बात बता रहे हैं कि जब अपनी ताकत बढ़ेगी ना तो लोग लोभ जाना शुरू करेंगे। इतना दिन से 46 साल हुआ, तब से हम लोग वह नहीं दिख रहा था, मतलब डर बना दिया, डर रहा है। डर वो लोग देखिएगा ना, जाके कूद के वह कहें कुछ कर ना ले। झारखंड का कौन सा ऐसा नेता है जिसमें कोई आप अच्छा गुण पाते हैं? कोई तो होगा, कभी बढ़िया तो बोलिए कोई नेता के बारे में। हमको ककरो बढ़िया बोलना, सबसे बड़ा सब अच्छा थे। अच्छा थे। पास्ट टेंस थे। सब आप तब ना हमारा आकर गड़बड़ाए वो सब चीज है, तब ना हम लोगों को अच्छा लोग बोलने लगा है। चलिए कुछ नेता का नाम बोलेंगे, जो पहला शब्द आएगा, जो दिमाग में आएगा बोल दीजिएगा, जो दिमाग में, टाइम नहीं लेना आपको, रैपिड फायर टाइप का है। क्या मतलब नाम लेंगे किसी नेता का नाम, आपके दिमाग में जो भी बात आता है बोलिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हम क्या बोलेंगे? हम तो वो इसको बार बोलिए कि पहले बोले थे हेमंत है तो हिम्मत है, आप बोल रहे हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है। एक शब्द में बोलना है, हेमंत है तो दिक्कत है। बाबूलाल मरांडी। आप क्या करेंगे? ये तो कुतुब मीनार से कूद रहे थे भाजपा में, अगर मैं तो यही कहेंगे चुकलू गए, मैं चुकलू जकरा घर हर बरत नहीं तकरे घर ढुकलू। इसके लिए मेहनत भी करते हैं बनाने के लिए, सब रटा हुआ। अब क्या कहेंगे, सब जमीन से जुड़े हैं तो सब जमीनी बात करते हैं। सर हम बस गांव से बिलोंग करता हूं, और सब हमारी जितनी भी है सो खोटा की कहावत है, मैं खोटा वासी हूं और खोटा का कहावत मैं बोलता हूं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। अरे बाप। बन्ना चिलेंगे गन्ना, अबर समझे ना, उनको बढ़ाने के लिए कुछ रखे थे और वो बढ़ाने क्या लगे थे सो आपको मालूम है, विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। जो नेचुरल चीज बढ़ता है ना ओकरा वो बढ़ा रहे हैं, और कौन जवान लड़का लड़का के नहीं बढ़ता है जी, ओकरा हम बोले थे झारखंड का विकास करो, वो दूसरे चीज का विकास करने लगे हैं। खतरनाक बोल रहे हैं हम काहे को खतरनाक। अच्छा हमको ये बताइए, इस पर एक और सवाल है मेरा, यहाँ एक मामला होता है जो यहाँ झामुमो के जिला अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगता है, महिला एक आरोप लगाती है, उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। बन्ना गुप्ता साहब का एक वीडियो जो भी है, गलत सही इसके बारे में पता नहीं है, इनको कुछ नहीं कहा जाता, क्या देखते हैं उसको? एक आम कार्यकर्ता है वो बाहर, और मंत्री है तो अंदर। यही तो बोले नवराम होगी सबके भौजी, इसीलिए बोल रहे हैं वो कमजोर था इसीलिए उसको बाहर कर दिया गया, भारी था वो पैसा देता था इसलिए उसको बाहर नहीं किया गया। गलत हुआ, एक कार्यकर्ता था एकदम कार्यकर्ता, इसके साथ उस पर भी जांच चलना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए। अरे बाबू सबसे पहले उस पर भी जो है, अगर आप उसको उतना मौका दे रहे हैं तो तुरंत बोका बना दीजिएगा। एकदम नहीं, आप भी इस पर भी जांच करिए, तुरंत कैसे एक्शन में आ गए, और एक्शन में आए तो मंत्री पद से उनको कौन भगाए? ये गलत होता है, गलत होता है। सीधा बात, मैं कोई भी पार्टी का रहे, कोई भी कार्यकर्ता रहे, मैं सम्मान करता हूँ कि वो लोग भी अगर जिला अध्यक्ष बना है, खाली आरोप लगेगा बाहर कर दीजिएगा कि जांच करिएगा। आप मंत्री जी पर काहे ना बाहर कर दिए? सवाल लाजमी है, आप भी प्रतिक्रिया दीजिए इसके ऊपर, जो मनोज यादव कह रहे हैं, जो सवाल हमने पूछा है। अन्नपूर्णा देवी। कल तक तो मुसलमानों को टोपी पहनाते थे, आजकल हिंदुओं को धोती पहनाने लगे हैं। बहुत हार्ड बोल रहे हैं आप। हम क्या बोलेंगे, हार्ड का सही तो बोल रहा हूँ, जब तक आरजेडी में थे तब तो मुसलमानों को वोट चाहिए था, तब ईद मिलाद करने और मुहर्रम में टोपी पहनाते थे मुसलमानों को। तो मतलब कि राजद में है तो मुसलमान के पास जाना पड़ता है, ये आप कह रहे हैं? वो तो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म है। और अब तो वो क्या हो गया सो देखिए रहे हैं। अम्बा प्रसाद। अम्बा प्रसाद का तो ये अनुकंपा पर आया तो क्या कहेंगे उनको, अनुकंपा पर है। अनुकंपा पर।
तैयारी को लेकर थोड़ा कह दीजिए 2024 को लेकर किस तरीके से आप लोग जेबीकेएसएस के तमाम लोग हैं जो अंदर से तैयारियां चल रही हैं, पूरे झारखंड में एक जो माहौल बना है, अलग एक विकल्प दिखा है, लोग जैसे 23 साल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस था आपने लोगों को जगाया है, दिखाया है, चाहे विस्थापन का बात हो, चाहे 60-40 का बात हो, नियोजन नीति हो, रोजगार का मुद्दा हो, मनोज यादव कैसे चेहरे नजर आते हैं जो छात्रों के लिए बात करते हैं, आप गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं, कड़वा बोलते हैं, लेकिन लोग आपको सुनते हैं, तो इस सीरियस नोट पर क्या कहना चाहेंगे 2024 के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी खुद किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं? हम इतना ही कहेंगे कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं तमाम लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी से आगे बढ़ो, जहां भी जरूरत पड़ेगा हम लोग खड़ा रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से, जो काम नहीं हो सकता है जनता को झूठ मत बोलो, सीधा बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूं, घूस फूस का कहीं का हमको पता चला, इससे दूर रहना है। सारे लोग जो है निश्चित रूप से 23 साल में जो आप लोगों ने समर्थन दिया, जो लूट मचा हुआ था, जो 23 साल में ये लोग सब लूट मचा के रखा था, आज आप लोग जागे हैं, हम तमाम आप लोग जितने भी समर्थक है जेबीकेएसएस के और हमारे समर्थक जयराम जी के समर्थक, पूरे पार्टी के समर्थक, हम आप लोगों को नमन करते हैं और दिन दुनी रात चुगुनी आप अपने पार्टी का विस्तार करिए और झारखंड का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मनोज यादव, जेबीकेएसएस के एक एक्टिव कार्यकर्ता बोल लीजिए, नेता बोल लीजिए, खूब बोलते हैं, जमकर बोलते हैं, तमाम बातें रख रहे थे, बहुत सारे सवाल हम पूछ रहे थे, एड़े मेड़े टेढ़े कड़वे, और दैनिक खबर पे ये सवाल पूछे जाते हैं और हम पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे, ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगेगा, थोड़ा ऊपर उठकर सोचिएगा, सिर्फ राजनीति को लेकर कि सवाल कड़वे पूछे गए हैं, उससे ऊपर अगर आप समर्थक हैं तो उससे ऊपर उठकर भी देखिएगा कि सवाल कैसे थे और आगे आप किसका इंटरव्यू चाहते हैं। बाकी मैं कुणाल सिंह मिलूंगा फिर।